क्या एनडीए से नाराज नेताओं पर बिहार कांग्रेस की नजर है? आखिर मिशन 2019 के लिए क्या है कांग्रेस का मास्टर प्लान? लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस बीजेपी को मात देने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। पार्टी एक ओर जहां विपक्षी दलों का गठबंधन तो बना ही रही है, साथ ही उसकी नजर एनडीए खेमे के ऐसे लोगों पर भी है जो अपने अपने दलों से नाराज चल रहे हैं। खबरों की माने तो दूसरे दलों के असंतुष्ट नेताओं को लेकर कांग्रेस ने खास प्लान तैयार किया है। जी हां, सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव में बिहार की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस विरोधी दलों में सेंध लगाने की फिराक में है। इसी कड़ी में कांग्रेस की नजर एनडीए के वैसे नेताओं पर भी है जो फिलहाल खुद को असहज पा रहे हैं। खबरों की माने तो ऐसे नेताओं की फहरिस्त में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, एलजेपी सांसद वीणा देवी, चौधरी महबूब अली कैसर, रामा सिंह शामिल हैं, जिस पर कांग्रेस की निगाहें टिकी है। इनके अलावा भी कुछ ऐसे नेता हैं जो पार्टी से नाराज तो हैं, लेकिन फिलहाल मौन हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ऐसे नेताओं के मुखर होने का इंतजार कर रही है। फिलहाल जो विपक्षी नेता खुलकर अपनी अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस उन नेताओं के राजनीतिक बयानों के निहितार्थ और संभावनाओं को टटोल रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस आला कमान ने बाकायदा बिहार कांग्रेस के कुछ नेताओं को ऐसे नेताओं से संपर्क में रहने के निर्देश भी दिए हैं। खबर है कि कांग्रेस लगातार इन नेताओं के संपर्क में है। प्रदेश कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो एनडीए में असंतुष्ट नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जिनका दम वहां घुट रहा है। कांग्रेस लगातार उन नेताओं के संपर्क में है और समय आने पर ऐसे नेताओं के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस दूसरे दलों के नेताओं के सहारे 2019 का चुनावी बैतरणी पार कर पाती है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।